तो मैं आप लोग को बता दूंगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल के कौन सी मच्छी किसके साथ में रहती है। वारी भाई, आज हमें आपसे नॉलेज चाहिए कि कौन सी फिश कौन से फिश के साथ में रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि गलत फिश हम गलत फिश के साथ में ऐड कर देते हैं और हमारी जो फिश है वो डेड हो जाती है और हमें रीजन भी नहीं पता चल पाता है। तो उसके वजह से आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सी फिश के साथ में रहती है। ठीक है, तो आरिफ भाई डिटेल में देख लेते हैं हर एक इंडिविजुअल फिश का हम कि कौन सी फिश के साथ में रहते हैं। तो किससे चालू करेंगे आरिफ भाई? स्टार्टिंग मॉली से स्टार्ट करते हैं। ओके आरिफ भाई, ये मॉली फिश है। मॉली आपको रखना है तो आप इसको नॉर्मली टाइगर बाग, रोजी बाग, टिम्पॉइल वगैरह के साथ में रख सकते हो। डॉलर के साथ में आप इसको रख सकते हो, आप इसको गुरामी के साथ में रख सकते हो। नॉर्मली आप इसको कोई भी मच्छी के साथ में रख सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय गोल्डफिश के अलावा, टेट्रा के अलावा। ओके ओके, क्योंकि ये फिन रॉक पर टेल नोचती है। टाइगर बाग, रोजी बाग चल जाएगा, उसी कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टेल, टेंजरीन वगैरह, रैम्बो शार्क वगैरह आप इसके अंदर, ये इसके साथ में चल जाएगी, आराम से रह जाएगी, आराम से रहेगा। और गप्पी फिश के साथ में रहेगा? गप्पी इसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी गप्पी को ये मारने के चांसेस होते हैं। तो ये नहीं कि बहुत से लोग रखते तो उनका मैं जिम्मेदारी नहीं रहूँगा। कभी कभी ये मॉलीज वगैरह जो हाथ पे आती है, काटने लगती है तो निप करती है, तो हिसाब से ये थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, मारने के चांसेस है थोड़े से। ओके, और अरे भाई यहाँ पे अरवाना फिश दिख रहा है, इसको किसके साथ में रख सकते हैं? अरवाना को ध्यान रखना होता है कि उसके फेस के हिसाब से थोड़ी बड़ी साइज का मच्छी रख डालना होता है। तो आप इसके अंदर डॉलर वगैरह या फिर सिल्वर शार्क, बाला शार्क, टिम्पल शार्क वगैरह, या फिर आप इसको बड़ा साइज का नॉर्मली कोई भी मच्छी डालो, गोल्ड फिश वगैरह, आप इसको रख सकते हैं। बट इतना ध्यान में रखें कि इसके अंदर इसके मुँह में नहीं जाना चाहिए। अगर स्मॉल साइज का टेट्रा वगैरह या फिर आपने मॉलीज वगैरह साथ में रखा है तो खाने के चांस, अदरवाइज गप्पी फिश रखा है तो जाना ही जाना। और काफ़ी लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं होता है कि भाई उसके साथ में कुछ भी मच्छियाँ डाल देते तो उसके बाद में अरवाना को भी डैमेज कर देते। काफ़ी लोग को थोड़ा सा पता नहीं होता है, शॉपकीपर चिपका देते, तो थोड़ा सा उनका भी गलती है। प्लीज़ ध्यान रखें, थोड़ा सा नॉलेज ले किसको किसके साथ में रखना चाहिए, तो हिसाब से ध्यान रखें। आपको अरवाना आपने ऑलरेडी पाल चुका है तो उसके अंदर थोड़ा सोच समझ के मच्छी ऐड करें। ये नहीं कि मुझे कलर डालना है, कलर डालने तो कलर डालने के चक्कर में आप इसको ना उठा के डाल दे भाई। बराबर, ये वाले चिकलेट्स है, हाँ, इसको ना डाल दे वे साथ में। इसको डाल क्या होता है कि ये तो नोच फाड़ करने वाले सिस्टम है, लोग का काटने आ जाते सीधा हाथ के ऊपर। ये नहीं डालना है आपको। अगर आप डालना चाहते हो तो अगर आपका अरवाना सेम साइज का है, छोटा साइज का है, तो आप पीकॉक बास और या फिर बड़ी बड़ी मच्छी है जैसे कि मॉन्स्टर होने वाली मच्छी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर आपका अरवाना बड़ा है तो आप पैरेट डाले। ओके, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए अरवाना, तो आप इसको पैरेट डाल सकते हैं। तो आरिफ भाई, ये पैरेट फिश को किसके साथ रख सकते हैं हम? पैरेट भी आप चिकलेट के साथ में रख सकते हो। चिकलेट की वैरायटी मोनो एंजल है, मोनो एंजल भी चिकलेट के साथ में चले आता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मोनो एंजल को भी रख सकते हैं ना? हाँ, मोनो एंजल हो गया, ऑस्कर हो गया बड़ा साइज का, जिस तरह से मैंने ऑस्कर रखा है थोड़ा बड़ा साइज का रहना चाहिए बॉडी में, बॉडी से थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, नहीं तो ये इतना एग्रेसिव होते हैं कि उसको नोच पार कर देंगे छोटा। पिराना भी रखा है आपने? हाँ, पिराना रहता है ना साथ में, पिराना आप इसके साथ में रख सकते हैं पैरेट के साथ में, बट चिकलेट के साथ में नहीं रख सकते क्योंकि चिकलेट ज्यादा एग्रेसिव होते हैं पैरेट के मुकाबले में। ओके ओके, और अरे यहाँ पे दूसरा एग्रेसिव फिश है, ये ऑस्कर ही है। ऑस्कर के अंदर शिवरम चलता है, आप शिवरम रख सकते हो और पिराना भी रख सकते हो आप इसके अंदर ऑस्कर के साथ में। और आप इसके अंदर जाइंट गुरामी भी रख सकते हो बड़ा साइज का, थोड़ा सा ऑस्कर आपके छोटे रहना चाहिए। और आप इसके अंदर थोड़ा सा मोनो एंजल भी डाल सकते हो, अगर आपका टिम्फॉइल है तो टिम्फॉइल भी ऐड कर सकते हैं, शार्क आपके पास है तो आप शार्क भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अरे भाई, इसके साथ में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कोई भी फिश, ऐसी कौन सी फिश है? बिल्कुल नहीं रखने वाली तो मॉली, टेट्रास वगैरह है, गोल्ड फिश वगैरह है, छोटी साइज की, छोटी साइज नहीं। अगर आप बड़े में नॉन एग्रेसिव भी रखेंगे तो भी ये नोच पार कर देंगे उसका। जैसे कि गोल्ड वगैरह बड़ा साइज में भी रखेंगे तो ये मारेंगे, भी बड़ा साइज में भी रख दिया तो मार देंगे, तो भी डैमेज कर देंगे लोग पूरी तरीके से। ओके, तो अरे भाई ये गोल्ड फिश जो है इसको किसके साथ में रखना चाहिए ऐसा कुछ? गोल्ड फिश को आप सबसे पहले ज़्यादा ध्यान रखना होता है गोल्ड फिश के लिए, मैं सबसे हर वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि गोल्ड फिश सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मच्छी है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देना होता है कि इसको कोई मच्छी ऐसी ना है कि इसका टेल निप करे वगैरह, उसको बॉडी पे इचिंग करे या उसको खाए या उसको ख़राब करे, उसकी ब्यूटी ख़राब करे। ये चीज़ ध्यान में रखें, आप जो भी मच्छी रखेंगे इतना ध्यान में लेना कि उसके साथ में रखना है। जैसे एग्जाम्पल आपको रखना ही है इसके साथ में, तो आप सिल्वर शार्क, डॉलर वगैरह रख सकते हो इसके अंदर में, आप एंजल इसके अंदर रख सकते हो, छोटा साइज का एंजल रखना, बड़ा मत रखना, छोटे साइज का एंजल आप इसके अंदर डाल सकते हो। अगर आपको ओनली फॉर गोल्ड फिश का ही सेटअप करना है तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो वो क्या है, ओनली फॉर गेस्ट, आप गोल्ड फिश की वरायटी ऐड करो ना, गोल्ड फिश में बहुत सारी वरायटीज आती है, वो ऐड करो, आप खूबसूरत लगेगा आपका टैंक। ये नहीं कि कचरे के साथ सिर्फ भर दो कुछ भी ला के टैंक के अंदर, मुझे टैंक भरना है, मेरा टैंक बड़ा है, मेरा टैंक बड़ा है, तो भरो मत ओनली। और जैसे इस तरह से देखो मैंने गोल्ड फिश रखा है उसके अंदर, तो उसी तरीके से आप गोल्ड फिश रखो, काफ़ी खूबसूरत लगेगा और घूमते भी रहेगी, खूबसूरत अच्छी लगेगी। सॉरी भाई, आपकी फेवरेट फिश, इसके साथ में हम कौन सी फिश रख सकते हैं?
डिस्कस के अंदर रखने के लिए आप अरवाना रख सकते हो, और सेकंड क्लाउन लोचेस, रेम्बोस, और अगर आपने अरवाना रखे हो तो फिर आप ये तो बाकी सब चीज़ें अवॉइड करना पड़ेगा, ओनली डिस्कसन अरवाना। अगर आपने ओनली डिस्कस रखा है तो आप डिस्कस के साथ पे क्लाउन लोच हो गया, स्टर मतलब कॉरी कैटफिश हो गया, कॉरी में आप बहुत सारी वराइटीज रख सकते हैं नीचे वाटर मीटर में, और आप सगर प्लेकोस की वरायटी आप रखना चाहते हो तो आप कोई भी प्लेकोस बेस्ट वाला प्लेको रखने का अच्छा क्वालिटी का तो रह जाएगा नीचे बॉटम में। और सेकंड में आपको बॉटम में रहने वाली कोई भी फिशेज आप इसमें रखें, और आपको रेम्बोज रखना है तो बुस्मानिया, रेड रेम्बो वगैरह या नियॉन रेम्बो वगैरह आप इसके अंदर रख सकते हो। अगर आपका प्लांटेड है या फिर आपके पास थोड़ा सा मतलब आपको रखना है इसके अंदर, तो टेट्रा में आपको हल्ली क्वीन रख सकते हैं इसके अंदर, अमीनोज रख सकते हैं, और कार्डिनल भी इसके अंदर रख सकते हैं अगर आपके पास प्लांटेड टैंक है तो। अरे भाई, ये जो मोनो एंजल फिश होती है इसको बोलते हैं कि ब्लैक वाटर फिश है, तो उसके साथ में ब्लैक वाटर वाली फिशेस रखना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? ब्लैकिश वाटर फिश है ये एक्चुअल, इसके अंदर रखने के लिए आपको चिकलेट वगैरह पैरेट वगैरह में भी आप इसको रख सकते हो इजीली। ओके, उसमें रह जाएगा आराम से। हाँ, बट इतना ही कि लोगों को नमक लगता है, ये कन्वर्ट किए हुए हैं तो इतना ज़्यादा नमक नहीं लगता है। लोगों के जहन में आता है कि भाई मरीन का मच्छी है, समंदर का है, तो थोड़ा खरीदने से भी डरते हैं, तो बस इतना है कि आपको आप जब भी पानी चेंज करें नमक डालें, क्योंकि अगर नमक कम पड़ेगा तो थोड़ा सा काले पड़ने के चांसेस स्ट्रेस में जाने लगते हैं। आपका नमक रहेगा तो आपका ये कंडीशन में रहेगा एनी टाइम। आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पानी चेंज करना होता है इसका, इसका ज़्यादा पानी चेंज नहीं करना होता है। अगर आप इसका 15 दिन बाद भी वाटर चेंज करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है इसको, बट आपका जो फिल्टर है आपको फिल्टर वॉश करते रहिए बस। और अभी इसमें साथ में कौन सी फिश रख सकते हैं? स्कैट एंड स्कैट रख सकते हैं, पफर रख सकते हैं इसके साथ में, जो भी ब्रैकिश वाटर की मच्छी है वो भी वो रख सकते हैं आप इसके अंदर। और सेकंड में आप इसके अंदर पैरेट है, ऑस्कर है इसके अंदर, या फिर आप इसके अंदर चिकलेट रख सकते हैं इसके अंदर। ओके, सॉरी भाई, आपके इसमें तो फ्लो ऑन का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन होता है, तो फ्लो ऑन का साथ में कौन सा फिश रख सकते हैं हम? फ्लोर ऑन के अंदर अगर कोई बताता है बंदा, मैंने बहुत सारे वीडियोज देखा पैरेट डाल के रखते हैं, तो मैं तो नहीं डालूंगा पैरेट, क्योंकि मच्छी अगर बड़ा साइज का है तो पैरेट को मारेगा, तो दोनों में फाइट होगा तो डैमेज होने के चांसेस है मच्छी, तो प्लीज़ जितना होगा उतना, अगर आप फ्लोरन को सिंगल ही पाले, अगर आपको रखना है तो आप प्लेको रख सकते हैं नीचे, सकर बड़ा साइज का। ओके, सकर फिश रख सकते हैं। हाँ, नीचे बॉटम मीटर तो। हाँ, आपको ध्यान रखना है भाई, आपने अगर प्लेको पाला है तो उसका भी खाने का ध्यान रखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ काई हो रहा है वो खा रहा है पेट भरेगा, उससे नहीं भरता, आपको उसका भी ख्याल रखना है मच्छी अगर पाले हो प्लेको। तो बाकी फिश आप रिकमेंड नहीं करते भाई? मैं तो नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि मच्छी अगर फ्लोरन ईजी मच्छी चिकलेट वैरायटी में आती है, वो स्ट्रेस में जाने के चांसेस रहेगा अगर दूसरा मच्छी ऐड करेगी तो। सॉरी भाई, ये जो रैम फिश दिख रहा है इसके साथ में हम कौन सी फिश रख सकते हैं? रैम आप गुरामीज के साथ में रख सकते हैं, इम्पोर्टेड गुरामी, और आप इसको प्लांटेड टैंक में रखो तो आप इसको रैम्बो के साथ में और टेट्रास के साथ में भी रख सकते हैं, अगर प्लांटेड टैंक है तो प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअल जो रैम्स है ये चिकलेट वैरायटी में आता है, सबसे पहले बता दूँ, ये एग्रेसिव होती है बट इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, तो ये थोड़ा प्लांट रहेगा, और इन लोग ये मच्छी जो ज़्यादा भागती नहीं है, तो आपका टेट्रा वगैरह फास्ट मूविंग करने वाला है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप नियॉन टेट्रा वगैरह डालेंगे तो थोड़ा प्लांटेड में बच जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है, टेट्रास में कुछ भी डालें आप प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लांटेड रहना ज़रूरी है अगर प्लांटेड रखे हो या आपने ये रखा है। इसके अलावा आप इसके साथ में रेम्बोस की वैरायटी डाल सकते हैं, बोस्मानिया है, या फिर आप कॉरी है, कॉरी कैटफिश भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्लाउन लोचेस रहेगा इसके अंदर, जो बॉटम मीटर है बॉटम में रहने वाली मच्छी रहेगी इसके अंदर। बड़ी फिश नहीं डाल सकते ना? मॉन्स्टर फिश नहीं चलेगी भाई, इसको खा डालेगी ये डैमेज कर देगी इसको, क्योंकि एक जगह पे रुकी हुई रहने वाली मच्छी है, ये भागती नहीं, मूविंग नहीं करती, तो आप लोग को ध्यान रखें इसके अंदर इसको प्रॉब्लम ना करे, ये ना किसी को प्रॉब्लम करेगी थोड़ा सा, बट इसको कोई प्रॉब्लम ना करे एक जगह पर रुकी हुई फिश से, ये तो इसको तो ध्यान रखें। इसके साथ में अरे भाई गोरामी फिश रख सकते हैं क्या? ये गोरामी रख सकते हैं आप इसके अंदर। और गोरामी फिश के साथ में कौन सी फिश रख सकते हैं? गोरामी के अंदर टाइप्स होती है ना भाई, गोरामी के अंदर मैंने वीडियोस बनाया हुआ एक, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा गोरामी के बारे में, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जल्दी आएगा इसके ऊपर, मैंने गोरामी के अंदर डिटेल्स दिया हुआ गोरामी के अंदर। तो गोरामी जो है ये गुरामी जो है पीसफुल है, ये किसी को प्रॉब्लम नहीं करती इसके अंदर। जाइंट गुरामी एग्रेसिव होती है, नॉर्मल गुरामी जो जंगली होती है ब्लू वाली और गोल्डन वाली, ये थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, निप करती है कभी कभी गोल्ड को मारती है, या किसिंग गुरामी है ये मारती है, किसिंग गुरामी किस कर करके मच्छियों को चाट चाट के मारती है चूम चूम के, तो ये एक्चुअली गुरामी किसको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, इसका नेचुरल जो कलर है ये कलर देख के अच्छा लगता है, नॉर्मल गुरामी में खूबसूरती नहीं है, ब्यूटी नहीं है, बट आ जाती है 50 रुपये जोड़ी में, 40-50 रुपये जोड़ी में तो ले लेते,
तो मैं क्या बोलूँ, अगर दो पैसा ज़्यादा जा रहा है खूबसूरत चीज़ मिल रही है तो प्लीज़ खरीदे उसको। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके बजट नहीं है तो ना ले प्लीज़, अगर आप लेना चाहते हो थोड़ा रुक के ले, बट अच्छा ले, ये नहीं कि बजट बना ले बाद में, बजट बना के ले कोई भी चीज़ बाय करें ना प्लीज़, आप कुछ भी चीज़ मच्छी में आप कुछ भी बाय करें प्लीज़ बजट बना के ले, ये नहीं कि आपको टैंक भरना है मेरा पैसा नहीं तो कुछ भी ला के डाले। अगर आप फ्लोरल भी लेना चाहते हो या परवाना लेना चाहते हो या आप कोई भी मच्छी बाय करना चाहते हो, प्लीज़ बजट बनाओ। आज नहीं लेना चाहते हो कल लो, कल नहीं लेंगे परसों, परसों नहीं महीने भर बाद लो या दो महीने बाद लो, बट आप स्लो लो, अच्छा लो मेरे हिसाब से। और अरे भाई, इसके साथ में कौन सी फिश है जो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए? इसके अंदर चिकलेट वगैरह वैरायटी नहीं चलेगी, ऑस्कर नहीं चलेगा इसके अंदर, एग्रेसिव मच्छी नहीं चलेगी, एग्जाम्पल चिकलेट हो गया, या फिर इसके अंदर ट्रॉपिकल में आप इसके अंदर मच्छी डाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। तो अरे भाई, हम सबकी फेवरेट फाइटर फिश, इसके साथ में कौन सी फिश रख सकते हैं हम? फाइटर टेट्रा में चलती है, फाइटर ये ओनली फॉर टेट्रा, और ध्यान रखें टेट्रा में आप रखना चाहते हो तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगी कि आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेट्रास को ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, तो आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा फाइटर रखना है तो। अब तो अरे भाई, लेकिन फाइटर को फाइटर के साथ में नहीं रख सकते है ना? दोनों आपस में फ़ाइट करते हैं, ये हिसाब से इसका नाम फाइटर फिश पड़ा हुआ है, फाइटिंग फिश भी बोला जाता है इसको। ये साथ में नहीं रहते, आपको बहुत से लोग मिसगाइड भी करते हैं कि फीमेल और मेल साथ में रहता है, जब तक मेल एंड फीमेल ब्रीडिंग पर्पस के लिए ओनली फॉर साथ में रहेंगे, ब्रीडिंग ख़त्म होने के बाद फिर से फाइट करना चालू करेंगे, तो एक्चुअली लोग को भी ब्रीडिंग करने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि इनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, जिस एग्जाम्पल जैसे इनकी मंगनी कराना पड़ता है, फिर उसके बाद शादी कराना पड़ता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखिए, अगर कोई आपको बोल रहा है फीमेल साथ में रहती है तो प्लीज़ उस बातों को ना सुने, और 15 से 20 दिन इसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद ही आप मेल फीमेल को साथ में रखें और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करके उसको बाद में साइड में अलग निकाल लें। ओके, अरे भाई, इसको गप्पी फिश के साथ में रख सकते हैं? ये गप्पी को मारता है भाई कभी कभी, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो नहीं रखना चाहिए, रिस्क है। हाँ, रिस्क है, बहुत से लोग बोलते रहता है, बट मैंने रखा नहीं है क्योंकि मारेगा तोड़ेगा, मारता है कभी कभी, तो रिस्क मैंने भी नहीं लिया, तो प्लीज़ रिस्क ना ले। और टेट्रा के साथ मौली के साथ मौली मौली मारेगा इसको, गोल्डफिश भी मारेगा इन लोग को, क्योंकि ये एक जगह पे रुकी हुई रहने वाली मच्छी है, तो जो एक जगह पे रुकी हुई रहने वाली मच्छी है तो उसको ज़्यादा मच्छियाँ डैमेज करने के चांसेस होते हैं। तो अरे भाई, इसमें कौन सी फिशेज है? इसके अंदर डॉलर वगैरह, बाला शार्क और डोराडो है, इंडियन डोराडो, ये सब मच्छी है, मॉन्स्टर फिशेज है, ये बड़ी होने वाली, तो ये सब मच्छी है, एक हिसाब से नॉर्मली गोल्डफिश वगैरह के साथ में भी रह जाते हैं। ओके, हाँ, और ये जो है पैरेट वगैरह के साथ में भी रह जाते हैं, मॉन्स्टर टैंक है आपका, तो फिश में से है और एक साथ में रह रहे, ये भी आपने अरवाना में भी रहता है ये मच्छी। ओके, अरवाना के साथ में भी रह जाएंगी ये फिशेज है ना? ये बाला शार्क वगैरह भी है इसमें? हाँ, बाला शार्क, डोराडो, इंडियन डोराडो जो है बड़ा होता है, 2 फीट का होता है ये, इंडियन मतलब नॉर्मल अरवाना जैसा ही है, ये भी लाइव फिश खाता है ये। और आरी भाई, ये जो शार्क है, शार्क, हाँ शार्क, शार्क जो है ये एक्चुअल खाने वाली मच्छी है, कोलकाता में इसको खाया जाता है, तो खाने वाली मच्छी है, तो ये भी बड़ी होने वाली मच्छी है, कम से कम 3-4। इसको किसके साथ में रख सकते हैं? हाँ, तो इसको भी आप इसको टेट्रा के साथ में नहीं रख सकते, अगर आप इसको गोल्ड फिश के एक पर्टिकुलर रख सकते हैं, बट ये क्या है थोड़ा बड़ा होने के बाद ज़्यादा धाम धूम करती है, टैंक फोड़ने के चांसेस होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग तक इसको पाले आप गोल्डफिश वगैरह में, या फिर आप इसको मॉलीज में, या फिर ज़्यादा बड़ा होने के बाद में आप रिकमेंड नहीं करते? नहीं, बड़ा होने के बाद टैंक डैमेज करने के चांसेस है, और बाहर जम मारेगी, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वो हिसाब से आप इसको छोटा लेते हो तो छोटे टैंक के लिए इट्स ओके, बट अगर आपने बड़ा मॉन्स्टर टैंक है तो आप इसको पाले बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई, ये जो कोई फिश है इसको किसके साथ में हम पाल सकते हैं? कोई फिश आप इसको रेम्बो शार्क के साथ में, या फिर इसको आप नॉर्मली डॉलर के साथ में, टिम्पॉइल के साथ में, या फिर आप इसको टेंजरीन, शॉर्ट टेल, प्लेटीज वगैरह समथिंग आप इसको रख सकते हैं, बट आपको नियॉन टेट्रास वगैरह एंड गप्पीज के साथ में इसको नहीं रखे, और चिकलेट के साथ में नहीं रखे। ओके, इनके साथ में नहीं रखना है? इन्हें बहुत सारे फिशेज के साथ में रहती है, लेकिन ये 3 फिश के साथ में गलती से भी नहीं रखना है? नहीं, वो खा लेगी, नहीं तो फिर इसको डैमेज करने के चांसेस है ऐसा। और अरे भाई, सबसे खतरनाक फिश? एक्चुअल पिराना में टाइप्स होते हैं, और एक अल्बिनो है, पाकू है, अल्बिनो पाकू, और ये पाकू नॉर्मल पाकू, इसके अंदर सबसे खतरनाक, इसका सिर्फ नाम पड़ा हुआ है, खतरनाक फिश है ये,
तो आप इसको नॉर्मली एग्जांपल ऑस्कर के साथ में, पैरेट के साथ में इसको रख सकते हैं पिराना को, और आपके सिल्वर शार्क, डॉलर टिम्पल वगैरह में भी इसको रख सकते हैं। ये इतना एग्रेसिव नहीं थी, एग्रेसिव में जो है वो रेड बेली पिराना, जो बहन है वो डैमेज करती है मतलब इंसान को काटती है वो, तो आप उसको नहीं रखना है आपको उसको। अगर आप उसको रखना चाहते तो ओनली फॉर आप रेड बेली पिराना पाल सकते, तो आपको बैन है वो, तो रखना गलत है। बट अगर आप पिराना या पागू पिराना पालना चाहते हो तो आप इसको सकर में पाल सकते हैं, और इसको आप गुरामी में रख सकते हो, इसको आप इसको शार्क में रख सकते हो, इसको टिम्फॉइल में, और आप इसको बड़ी गोल्ड में नहीं रहती, गोल्ड को मारेगी, डैमेज करेगी। पिराना शिवरम के साथ में, ऑस्कर के साथ में, जाइंट गुरामी के साथ में रहेगी। और ये वाला जो फिश है आरे में शिवरम, ये शिवरम है, शिवरम में ऐसी वैरायटी, आप इसको बड़ी होने वाली मच्छी मिनिमम ये मेरे हिसाब से 6-7 इंच तक की जाती है बड़ी होने के बाद पैरेट टाइप, तो आप इसको ऑस्कर के साथ में रख सकते हो, जाइंट गुरामी के साथ में रख सकते हो, कैटफिश के साथ में रख सकते हो, आप इसको डॉलर के साथ में, और आप इसको टिम्फॉइल के साथ में रख सकते हो, एक्टिव मच्छी में आप इसको रखें प्रॉब्लम। तो आरे भाई एंजल फिश के साथ में कौन सी फिश रखना चाहिए? एंजल के साथ में आप लोग को ध्यान रखना है कि उसके जो नीचे के कांटा होता है, ये कांटा कोई नीप ना करे, जैसे कि टाइगर बाप, रोजी बाप वगैरह आप इसके अंदर ना रखे, और गुरामीस वगैरह भी नहीं चलता इसके अंदर, कभी कभी गुरामीस भी जो होती है ब्लू गुरामी और गोल्डन गुरामी, ये लोग को डैमेज करने के चांसेस है, तो प्लीज़ ध्यान रखें आप पिराना के साथ में ना रखें इसको, एग्रेसिव मच्छी के साथ में ना रखें जो नीप करता है और ख़राब करता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ उसके बारे में कौन सी मच्छी रखना है इसके अंदर, आप इसके अंदर डॉलर रख सकते, गोल्डफिश रख सकते, इसके अलावा आप इसके अंदर टिम्फॉइल रख सकते हो इसके अंदर, और इसके अंदर कोई वगैरह रख सकते हो आप इसके अंदर, या फिर आप शार्क वगैरह है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी जो मतलब डैमेज नहीं करती हो, जैसे कि प्लेटीज वगैरह, प्लेटी भी आप इसके अंदर इजीली रख सकते हो, प्लेटी रख सकते हैं। यस। और आरी भाई यहाँ पे डॉलर फिश है, डॉलर फिश के साथ में कौन सी फिश रख सकते हैं? डॉलर एक ऐसी मच्छी है, कॉइन जो बोला जाता है डॉलर को, सिल्वर जो होती है, इसके अंदर आप टिम्फॉइल रख सकते हो, कोई रख सकते हो, शार्क रख सकते हो, इसके अलावा गोल्डफिश रख सकते हो, इसके अलावा आप इसके अंदर बड़ा साइज का अरवाना डाल सकते हो, मतलब डिपेंड ऑन द साइज, मतलब सेम साइज़ का आपका गोल्ड है या फिर डॉलर है आपका, सेम साइज़ का अरवाना आप डाल सकते हैं, अगर आपका छोटा अरवाना है तो बड़ा डॉलर डाल सकते हैं। यानी आपका बोलना है आरी भाई कि ये जो डॉलर फिश है बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज के फिशेस के साथ रहती है? हाँ, बट ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रहती है, नियॉन टेट्रास वगैरह का टेट्रास की वैरायटी है और बेटास के साथ में नहीं रहती है। ओके, अच्छी बात बताई आरी भाई आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डॉलर किसके साथ नहीं रहती है। तो आरी भाई यहाँ पे लोच फिश दिख रहा है, क्लाउन लोच है ये, ये किसके साथ में रहेगा? क्लाउन लोच एक ऐसी वैरायटी लोच की, ये सबके साथ में रहती है। ओके। आप इसको गोल्ड के साथ में, टेट्रास के साथ में, अरवाना के साथ में भी आप इसको रख सकते हो, आप इसको पैरेट के साथ में भी रख सकते हो, और आप इसको चिकलेट के साथ में भी रख सकते हो। ये काफ़ी एक्टिव मच्छी रहने की वजह से ये मच्छी काफ़ी मतलब अच्छी मच्छी है जो सबके साथ में रहेगी। okay. बेस्ट मच्छी है मेरे हिसाब से, गप्पीज में डालो इसको, या फिर आप इसको टेट्रास में डालो, या फिर आप इसको पैरेट में डाल दो। ऐसे पैरेट में भी आप इसको पर्टिकुलर साइज देखना, साइज के हिसाब से डालें। और ये बॉटम फीडर है क्या? ये बॉटम फीडर रहती है आप इसका, और ये सबसे पहले कि इसका फीडिंग का क्या थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको, बॉटम में जाने वाला जैसे कि फूड डालना होता है आपको, नीचे जाने वाला फूड डालना पड़ेगा। अरे भाई अनदर बॉटम फीडर कॉरी कैटफिश, ये किसके साथ में रहती है? ये भी टेट्रास के साथ में रहती है, डिस्कस में रहती है, और आप इसको अरवाना में ना रखे। एक्चुअली ये कैटफिश और लोचेस की वैरायटी जो होती है ना, इन लोग के जो फ्रंट साइड में जो मुंह होता है ना, इसके तरफ एक कांटे होते हैं। ओके। तो इसको मच्छी पीछे की साइड से डैमेज कर सकती है, बट इसको खा नहीं सकती है। ओके, ओके। तो जैसे एक क्लाउन लोच में भी आगे की तरफ दो कांटे होते हैं फेस की तरफ, उसको भगवान ने दिया हुआ रहता है, तो वो सेफ्टी है उसकी, तो वो हिसाब से ये आपकी मच्छी गोल्डफिश में भी रहेगी, और इसको आप इसको डॉलर में भी रख सकते हैं, टेट्रास में भी रख सकते हैं आप इसको, आपका प्लांटेड टैंक है उसमें। मगर काफ़ी लोगों ने जहन में बिठा चुका है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये एल्गी खाती है, ये एल्गी नहीं खाती है, ये बॉटम वेस्टेज फूड खाती है, जो नीचे गिरा हुआ फूड है जैसे क्लाउन लोच है, ये है वेस्टेज फूड खाते हैं। ओके। और अरे भाई यहाँ पे टेटा फिश दिख रहा है, नियॉन टेट्रास वगैरह, ये किन के साथ में रहेगी? नियॉन का नियॉन टेट्रा भी टेट्रा की ऐसी फिश है, हर टेट्रा के साथ में ये नहीं रहती है। सबसे पहली बात, नियॉन टेट्रा जो है जैसे कि सर्फी के साथ, व्यूडो के साथ, और दूसरी अपनी सर क्या बोलते हैं बिनॉइज माउंटेन, बिनॉइज जो नॉर्मल कलकत्ता की जो टेट्रा है लोकल वाले, इसमें नहीं रहती है वो, रेड आइस टेट्रा पे भी नहीं रहती। ये टेट्रा जो होते हैं ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और ये ज़रा सा थोड़े से
कम फास्ट मूविंग करने वाली मच्छी है टेट्रा, तो ये इसको प्रॉब्लम होगा, तो आप इसको ध्यान रखें, तो एकदम पीसफुल टेट्रा है उसमें ही डालें इसको प्लीज। पीसफुल टेट्रा में जनरली इसको यानी इसी के कैटेगरी में थोड़ा स्लो मूविंग टेट्रास में डालना पड़ेगा ना? आप इसको राजबोरा वगैरह की वैरायटी में या फिर आप इसको रेम्बो की वैरायटी में भी डाल सकते हैं। रेम्बो अगर बड़ा है तो फिर प्लीज ना डालें क्योंकि थोड़ा मारने के चांस। आपका बोलना है कि सबसे बेस्ट है कि सेपरेट इसी का टैंक बनाइए और इसी को रखिए तो बेस्ट रहेगा ना। टेट्रा में नियॉन की जो कैटेगरी में ब्लैक नियॉन वगैरह कार्डिनल वगैरह आप इसको बना के काफी अच्छा है एप्रल वगैरह के साथ में, हाँ इजीली अच्छा काफी खूबसूरत लगेगा टेट्रा का सारा। ये वाले कौन से टाइप के टेट्रास है? ये ब्लैक फैंटम है। okay. ये भी टेट्रा की वैरायटी में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसको हर मच्छी में डाल सकते हैं, ओनली फॉर टेट्रा में ही डाल सकते हैं। Okay, इनको भी टेट्रास में ही डालने हैं ना? यस यस। और अरे भाई ये वाली कलरफुल जो फिशेज दिख रही है ये विडो टेट्रा है। विडो टेट्रास की वैरायटीज है ना? विडो टेट्रा के अंदर जो ब्लैक विडो और अल्बिनो विडो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं इसके मुकाबले में, तो ये थोड़े कम एग्रेसिव होते हैं। अगर आप इसके अंदर ब्लैक और व्हाइट वाला विडो डालेंगे तो ये उसको मार डालेंगे लोग, वो वाले विडो जो जंगली विडो होते हैं, ब्लैक एंड अल्बिनो विडो जो व्हाइट वाले लोग को मारने के चांसेस है। ब्लैक विडो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो इन लोग को मारने के चांसेस। ये वाले थोड़े पीसफुल टेट्रास है, ये थोड़े पीसफुल है बट इस पे भी नियॉन वगैरह में नहीं चलते हैं। नियॉन में नहीं चलते हर मच्छी, हर मच्छी में नहीं रखी जाती है। सबसे पहला जहन में तो ये बात बिठा ले काफी। तो आरी भाई इसमें आपने जो दिखाया है कि इसमें आपने मिक्स किया है तो ये वाली टेट्रास इसके साथ में रहती है ना? हाँ, रेम्बोज में, रेम्बोज में, टेंजरीन में, सॉटिल में, प्लेटीज में ये सब रह जाएगी, गोल्ड में भी ये रहेगी टेट्रा, इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेट्रा काफी लोग प्रॉब्लम ये करते है कि टेट्रा ले जाने के बाद मार देते हैं, तो लोग को यही नहीं पता है कि बॉटम साइड पानी चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग लेके आते हैं नए नए कलर, काफ़ी खूबसूरत लगता है नियॉन वगैरह कार्डिनल वगैरह का या फिर दूसरे टेट्रास में, तो उनको इतना नहीं पता है कि मतलब कि पानी पूरा नहीं उतारना होता है। काफ़ी लोग को ये भी नहीं पता है कि मच्छियाँ बाहर नहीं निकालनी होती टैंक के अंदर से, ओनली फॉर टैंक के अंदर स्क्रबिंग करना है आपको, टैंक साफ करके पोंछना है अंदर से और उसके बाद आपको पानी निकालना है, और पानी निकालने के बाद आपको व्हाइट लिक्विड ऐड करके पानी भर देना है बस इतना। आपको टेट्रा का मिनिमम 50% से ज़्यादा साइफन नहीं मारना। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। ये जो गप्पी फिश दिख रहा है तो गप्पी फिश हम किसके साथ में रख सकते हैं? गप्पी फिश आप टेट्रा के साथ में रख सकते हैं ना, जैसे कि आप जेब्रा के साथ में भी रख सकते हो, और आप इसको नॉर्मल नियॉन में, कार्डिनल में, और रेम्बोज में, और एम्परर में, हार्ली क्वीन, राजबोरा में, या फिर आप बहुत सारी राजबोरा की वैरायटी, या बहुत सारी जो ज़्यादा नीप नहीं करती हो, प्रॉब्लम नहीं करती, ऐसे टेट्रा में आप इसको गप्पी को रख सकते हो अगर आप ब्रीडिंग। अरे भाई जैसे कि आपने इसमें रखा हुआ है ना टेट्रास के साथ में गप्पीस को? हाँ, टेट्रा गप्पी में रहता है इस तरीके से, जिस तरह से हमने रखे है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए एक वो भी हो जाता है कि भाई ये बंदे ने रखा है तो हमने भी रखना चाहिए। रख सकते हैं, यानी बाय करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम? थोड़ा इजी पड़ जाता है काफ़ी लोग, बहुत से लोग थोड़ा सा मैं एक बात बताऊँगा इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को कि बहुत से दुकान वाले मिसगाइड भी करते हैं, मतलब किसी को, मतलब जिसको पता नहीं होता है थोड़ा थोड़ा मिसगाइड भी करते हैं, उनको नॉलेज नहीं रहने की वजह से, कम नॉलेज रहने की वजह से कुछ भी बोलते हैं ना आप, जो मुंह में आएगा वो। सही है आरजी भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार विश्वास उठ जाता है तो फिर वो थोड़ा सा आना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली जो है वो बता देना चाहिए जैसे आप बताते हो हमेशा हमारे वीडियो में भी। नहीं, अगर मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ कुछ अलग गाइड ना करें, अगर आपको मालूम है तो ही प्लीज़ बताएं, मिस गाइड करना थोड़ा सा गलत है। अगर नहीं पता है तो मैं डायरेक्टली मुंह पे बोलता भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में। सही है सडनली बोल देने का भाई जाइंट उरामी को पकड़ो। अरे भाई ये वाला फिश दिख रहा है बहुत बड़ा सा, कौन सा फिश है ये? ये जाइंट गुरामी है, बड़ा सा इसका। ओके, तो ये भी सवाल आते हैं कि भाई जाइंट गुरामी किस में रखना चाहिए, काफ़ी लोगों के पास दो दो फुट की हो जाती है, डेढ़ डेढ़ फुट की हो जाती है जाइंट गुरामी, तो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि भाई उसके साथ में क्या रखना है। तो ध्यान रखें अगर आपका जाइंट गुलामी बड़ा साइज का है तो आपके साथ में आप उसको बड़ा साइज का अरवाना भी डाल सकते हैं उसके अंदर। ओके, यानी अरवाना डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, मगर क्या होता है किसका किसका जाइंट गुलामी ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो ज़रा फोड़ फाड़ देता, मारता है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखें आपका की जो मच्छी है वो एग्रेसिव टाइप की है कि नॉर्मल टाइप की। अगर आपकी ज़्यादा एग्रेसिव तो आप उसके अंदर पैरेट वगैरह डालें या फिर डॉलर वगैरह या सिल्वर शार्क, थोड़ी एक्टिव मच्छी डालें, या ब्लैक शार्क वगैरह भी डाल सकते हैं, पैरेट भी डाल सकते हैं आप उसके अंदर। ओके, एग्रेसिव है तो, अगर नॉन एग्रेसिव है तो आप अरवाना वगैरह या फिर टिम फॉइल वगैरह या फिर नॉर्मल कोई वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एक्टिव मच्छी डालना होता है, क्या होता है कि मच्छी एक टाइमिंग तक ही भागती है दूसरे मच्छी को मारने के लिए, बट वो भी लास्ट में थक के बैठ जाती है, बोले भाई नहीं बस हो गया, बोले अब मेरे से नहीं होता, अब ये बंदा मेरे बस का नहीं है, बोले हो जाता खत्म, फिर लास्ट में एंडिंग में वो साथ में रहना चाहिए। एक्टिव मच्छी डालना है।
और आदि भाई ये वाला जो जेब्रा फिश है इसको हाँ। किसके साथ रख सकते हैं अपन? जेब्रा बीटा में भी रख सकते हैं। ऑक्सीजन रहना आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ऑक्सीजन रहना जरूरी है, बट जैसे कि मैंने ऑक्सीजन लगाया हो बेटा रखा हो, मैं रखता हूँ हमेशा टेट्रास में, तो ऑक्सीजन रहना जरूरी है। सेकंड आप इसको गप्पीज के साथ में भी रख सकते हो टेट्रास को, ये जेब्रा को, और दूसरा आप इसको नॉर्मली आपके मॉलीज वगैरह आप इसको रख सकते हो, मॉली रख सकते, मॉली भी रख सकते हैं इसके, क्योंकि एक्टिव है ना ये, एक्टिव मच्छी का ज़्यादा चांसेस होता है रहने का सबके साथ में, जिस तरह से क्लाउन लोच वगैरह मैंने बताया एक्टिव मच्छी बच जाती है, तो वो रख सकते हैं। लेकिन बड़े फिश के साथ में नहीं रखना है? नहीं, बड़े फिशेज के साथ में नहीं, क्योंकि वो निगल लेंगे, ऐसा है जैसे बड़ा शार्क वगैरह हो गया आपके पास, या फिर आपके पास बड़ा साइज का कोई एग्रेसिव मच्छी में आपने ऑस्कर पॉस्कर रखा है तो उसके साथ में डाला, हाँ मार डालेंगे। और अरे भाई यहाँ पे पीकॉक बास दिख रहा है, इसको किसके साथ रख सकते हैं? पीकॉक बास तो ये मच्छी का एक्चुअल जो मॉन्स्टर फिश में आती है ये, बट ये मतलब एग्रेसिव नहीं है ये, बट इसका प्रॉब्लम यही है कि जब ये साइज पकड़ लेती है तो उसका मुंह खुल गया तो उसके मुंह के अंदर चले गए, तो मतलब पेट में, हाँ सीधा पेट में, तो आप इसको अरवाना के साथ में रख सकते हो अभी एस प्रेजेंट में, आप इसको आपके पास सिल्वर शार्क है आपने बड़ा साइज का रखे हो तो उसमें रख सकते हो, आपके पास टिनफॉइल है उसमें रखो आप इसके, आपके पास में अगर कोई वगैरह आप उसको उसमें रखें, बट ये प्रॉब्लम छोटे समय में कुछ नहीं करेगी, बट ये साइज बड़ा होने के बाद थोड़ा तकलीफ देगी, आप इसको अरवाना के साथ में तो इजीली रखो, अरवाना में कोई भी अरवाना, बट ध्यान रखें इसका साइज छोटा रहेगा तो निगल ना लेवे, बट इतना ही प्रॉब्लम है थोड़ा। सॉरी भाई, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार ये जो आपने बताया है वो तो उसके फिश के साथ में रहती है, आप बोलते हो कि नहीं रहता है, तो इसका कैसे है? एक्चुअल भाई मैं सबसे शॉर्टकट में आंसर दूंगा, जो भी कमेंट्स करेंगे मुझे पता है कमेंट्स भी आएंगे मेरे को बहुत सारे, बुरे बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं, तो बता दो आप लोग का जो बुरे कमेंट्स करने वालों को बोलता हूँ, आंसर दे रहा हूँ अभी से दे रहा हूँ शॉर्टकट में, बाद में कभी दिया नहीं दिया, देखा नहीं देखा इसके लिए। मच्छी है और इंसान में फ़र्क नहीं है, अगर एग्रेसिव इंसान है वो किसी के साथ में नहीं रहेगा, नॉर्मल इंसान है, सादा है, पीसफुल इंसान है, नॉन एग्रेसिव वाला आदमी इंसान, वो किसी के भी साथ में रहेगा। मच्छी है, मैं उसका कोई गारंटी नहीं लेता कौन किसके साथ में रहेगा किसके साथ में नहीं रहेगा, लेकिन आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताते हो कि ये, ऐसा ही होगा। हाँ, सामने से बता रहा हूँ कि भाई सामने कुआ है जाके कूदना जाओ, जरूरी नहीं कि मैंने ऑस्कर लाया मेरा ऑस्कर किसको नहीं मार रहा है तो मतलब तुम्हारा नहीं मारेगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, तुम बता रहे हो भाई मेरा रह रहा है ऑस्कर इसके साथ में, हमके के साथ में, धमके के साथ में, गोल्डफिश के साथ में, तो तुम्हारा ऑस्कर उस टाइप का है, नॉन एग्रेसिव टाइप का है, ढिल्ला पड़ा हुआ है थोड़ा सा, मतलब एग्जांपल मतलब ज़्यादा मारने वाला नहीं है, तो वो हिसाब से वो साथ में रह रहा है भाई, बट ये नहीं कि जरूरी कि भाई तुम्हारा रहे तो पूरी दुनिया का रहना जरूरी है। ओके, तो ये शॉर्टकट में आंसर दिया हूँ मैंने कमेंट्स करने वालों के लिए, पहली आंसर है, जवाब दे रहा हूँ। सॉरी भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही प्यारा सा नॉलेज दिया आपने, कौन सी फिश किसके साथ में रखनी है ये बताने के बाद में हम तो हमारे जो व्यूवर्स है बहुत सारे उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार वो फिश लेने जाते हैं फिश शॉप में, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उसके वजह से कोई भी फिश बाय करके वो फिश को मार देते हैं, तो इसके वजह से कैसे है उनका भी इंटरेस्ट निकल जाता है। तो आपने आज जो नॉलेजेबल वीडियो हमारे साथ में शेयर किया है उससे डेफिनेटली हमारे जो व्यूवर्स है उनकी हेल्प होने वाली है, सो थैंक यू आरिफ भाई। थैंक यू। तो ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।